55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज बजाजी लाइन दमोह। मोटरसाइकिल से जा रहे पिता और पुत्री पर गिरा पेड़, पिता की साजिश थमी, पुत्री गंभीर रूप से हुई घायल। दमोह जिले के बानकपुर चौकी क्षेत्र के धूनी वाले बाबा के पास से बाइक बानकपुर निवासी अरविंद गुप्ता अपनी बिटिया के साथ दुकान को बंद करके घर जा रहे थे, तभी वहां पर लगे इमली के पेड़ के अचानक गिरने से पिता और पुत्री दोनों इमली के पेड़ की चपेट में आ गए। पिता और पुत्री के घायल होने के बाद बानकपुर मंदिर के महंत सीधू पंडा अपने साथियों के साथ दमोह जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने अरविंद गुप्ता को मृत घोषित कर दिया और पुत्री की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल जलपुर रेफर कर दिया। बानकपुर हुए हृदय बितारा घटना के बाद अरविंद गुप्ता के समूचे बानकपुर में शोक की लहर व्याप्त हो गई। वहीं इस संबंध में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है सीधू पंडा का, आइए सुनते हैं। बानकपुर में अभी लगभग 8:30 बजे हमारे व्यापारी बहुत अच्छे साथी और मित्र अरविंद गुप्ता अपनी बच्ची के साथ दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक इमली का वृक्ष पड़ता है, उसकी डगार ऑटोमेटिक टूटकर उस गाड़ी के ऊपर गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बिटिया भी गंभीर रूप से घायल हो गई और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अभी क्या स्थिति बताओ? अभी वर्तमान में जो आर्यन भाई हैं उनकी स्थिति हमें कुछ कह नहीं सकता और बिटिया की स्थिति भी गंभीर बनी। अभी ये घायल है मुमुनी गुप्ता, की कैसी हालत है? तो अब ये हमारा कहना तो ये है कि शायद मेरे हिसाब से तो अब सब तो मस्तिष्क को बोले नहीं सकते, कैसे बोल देता अपना पंचायत।